हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम मेमोरी मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मेजर फंक्शनैलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू मैनेज वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम। हमें पता है कि पूरे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाना, इसको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की है, मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज होती हैं, जैसा कि हमारे पास हार्ड डिस्क है, रैम है, कैश है और रजिस्टर्स हैं। ये चारों डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें से रजिस्टर्स सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती हैं। इस तरह से अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करें तो हार्ड डिस्क हमारे पास सबसे स्लोएस्ट मेमोरी होती है। तो इन तमाम मेमोरीज को कंट्रोल करना, मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल होता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, कि इन मेमोरीज को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए। इस तरह से यूटिलाइज किया जाए कि हम इन मेमोरीज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को लोड कर सकें और इनको एग्जीक्यूट कर सकें, ताकि हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट्स सपोज करते हैं आपके पास दो कंटेनर हैं और आपके पास कुछ क्लॉथ्स हैं। अगर आप एक कंटेनर के अंदर रैंडमली इन क्लॉथ्स को पुश करेंगे तो आप इस कंटेनर को मैक्सिमम यूज़ नहीं कर सकेंगे और इसके अंदर बहुत कम क्लॉथ्स आप स्टोर कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी कंटेनर के अंदर अरेंज करके इन क्लॉथ को सेट करके सेव करने की कोशिश करते हैं तो आप ज़्यादा क्लॉथ्स को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली इन मेमोरीज़ को अगर हम अच्छे तरीके से मैनेज करें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर बना सकते हैं। सो चले एक स्ट्रक्चर की मदद से समझते हैं कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं। सबसे पहले हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं, मेन मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं, और हमारे पास कैशिंग मेमोरी है। और साथ ही हमने यहाँ पर एरोज की मदद से बताया है कि ये CPU इन मेमोरीज के साथ किस तरह से कनेक्ट होता है। आई होप आपको इन मेमोरीज के बारे में पता होगा कि कौन सी मेमोरी किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। एक स्मॉल सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हार्ड डिस्क में पता है डाटा को परमानेंट तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए इसका जो साइज़ है वो दूसरी मेमोरीज की नस्बत ज़्यादा होता है। सोच करते हैं हमारे पास यहाँ पर 512 GB की हार्ड डिस्क मौजूद है। इसके बाद आती है रैम। रैम आपको पता होगा कि हमारे कंप्यूटर का वर्किंग एरिया होती है, और इसका जो साइज़ है वो हार्ड डिस्क की नस्बत कम होता है, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। हमने अपने पर्सनल कंप्यूटर की कोर्स को मैनेज करना होता है, इसलिए रैम का जो साइज़ है वो हार्ड डिस्क की नस्बत कम होता है। सपोज करते हैं हमारे पास रैम का साइज़ है 4 GB। और थर्ड है हमारे पास कैशिंग मेमोरी। कैशिंग मेमोरी के अंदर हमारे पास फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं और उसका साइज़ बहुत ही कम होता है। सो CPU हार्ड डिस्क के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, इसलिए आपने जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है वो हम रैम के अंदर लोड करते हैं और फिर वो CPU उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आई होप पहले से पता होंगे। तो चलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की तरफ। सपोज करते हैं कि हमारी इस हार्ड डिस्क के अंदर ये कुछ प्रोग्राम स्टोर हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इनमें से जो भी प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करना है वो हम रैम के अंदर लोड करेंगे। अब रैम हमारे पास है 4 GB। इस 4 GB में से कुछ स्पेस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो रैम के अंदर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो जाता है, और ये तब तक यहाँ पर रहता है जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है। जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करते हैं फिर बेसिकली ये रैम आपकी फ्री हो जाती है, इसलिए इसको हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। सपोज करते हैं कि रैम के अंदर इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने 2 GB की स्पेस ली हुई है, यानी कि आप हमारे पास रैम के अंदर जो अवेलेबल स्पेस है वो 2 GB है। जो भी हमने हार्ड डिस्क से प्रोग्राम लोड करेंगे वो इस स्पेस की जगह पर लोड होगा और फिर ये प्रोग्राम CPU एग्जीक्यूट करेगा। सो हमारे पास ये जो हार्ड डिस्क के अंदर प्रोग्राम मौजूद हैं इनका साइज़ सपोज करते हैं कि कुछ यूँ हैं। अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का। इसका मतलब होता है कि CPU एक वक्त के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके मेन मेमोरी के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स मौजूद हों, तभी CPU मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 GB की स्पेस है,
सपोज करता हूँ मैंने इनमें से किसी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, मैं P1 को ले लेता हूँ। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट करना है तो बेसिकली मुझे इस P1 को लोड करना पड़ेगा मेन मेमोरी के अंदर। और P1 का साइज़ क्या है, 2GB, और मेन मेमोरी का साइज़ भी क्या था, 2GB हमारे पास फ्री स्पेस थी, यानी कि आपकी इस एक प्रोग्राम के आने से मेन मेमोरी आपकी फुल हो चुकी है, यानी कि CPU के पास सिर्फ एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने को है और वो है P1। इसके अलावा हम मेन मेमोरी के अंदर कोई और प्रोग्राम लोड ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्पेस ही अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर तो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो तो इनवैलिड हो गया। ऐसा इसलिए हुआ है कि अभी हमने यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट की कोई भी टेक्निक अप्लाई नहीं की। अगर हम अपनी इस मेमोरी को एफिशिएंटली मैनेज करें तो हम इसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड कर सकते हैं। किस तरह से, यह हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है। सो मल्टी प्रोग्रामिंग के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और ऑब्जेक्टिव होता है हाई CPU यूटिलाइजेशन, कि हम इस CPU को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। इट मीन्स रैम के अंदर हमारे पास हर वक्त कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसको CPU एग्जीक्यूट करे। सपोज करें ये जो P1 प्रोग्राम था, ये कहता है मैंने कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फॉर्म करना है। तो ये जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फॉर्म करेगा तो इस दौरान जो CPU है वो तो आइडियल हो जाएगा, CPU के पास कोई और काम करने के लिए मौजूद नहीं होगा क्योंकि P1 इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है और कोई और प्रोग्राम मेन मेमोरी के अंदर मौजूद ही नहीं है। यानी कि यहाँ पर हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है हाई CPU यूटिलाइजेशन, ये भी इनवैलिड हो चुका है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव हमारे फेल हो जाएंगे अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करते। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मेमोरीज को मैनेज करे, इस तरह से मैनेज करे कि हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक वक्त में रैम के अंदर लोड कर सकें और इनको एग्जीक्यूट कर सकें। इसको आप कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई होप आपको मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा कि मेमोरी मैनेजमेंट होती क्या है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में, कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा, आपको मेमोरी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।